नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के कंधों पर पार्टी को उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी आ गई है। बागी विधायकों की एंट्री से बदले समीकरणों का असर सबसे ज्यादा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ेगा, पर अपनी सीट के अलावा उपचुनाव में अगर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो इस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। नए सियासी समीकरणों के बीच अनुराग के अलावा धूमल पर पार्टी के भीतर संभावित उथल पुथल को थामने, भीतर घात रोकने और कार्यकर्ताओं में एकजुटता बनाए रखने की अहम भूमिका होगी। बीजेपी हाईकमान ने नई दिल्ली में बागियों और निर्दलियों को पार्टी में शामिल करने का जिम्मा भी अनुराग ठाकुर को ही दिया था। इसके पीछे भी एक संदेश देने का प्रयास किया गया। ऐसे में हाईकमान की भी कोशिश है कि कार्यकर्ताओं में ऑल इज वेल कर प्रभावी संदेश दिया जाए। इन नौ नेताओं की सूची में 2017 के विधानसभा चुनाव में सीएम पद की दौड़ में प्रेम कुमार धूमल को बाहर करने वाले राणा भी हैं। हाईकमान ने उनकी एंट्री का फैसला समय की जरूरत समझकर और मौके की नजाकत भांप कर लिया है। अनुराग अपने पिता के उस दर्द को कैसे भुला सकते हैं जो राणा के हाथों उन्हें हार कर मिला था, लेकिन पार्टी का आदेश है तो उसे मानना ही पड़ेगा। हमीरपुर संसदीय सीट के तहत सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलैहड़ में तो उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अगर निर्दलीय वाले क्षेत्रों में भी उपचुनाव का ऐलान हो गया तो देहरा और हमीरपुर भी चुनावी अखाड़ा होंगे। ऐसे में इस मर्तबा अनुराग को अपने चुनाव के साथ साथ उपचुनाव जीतने का भी जिम्मेदारी निभानी होगी। खबर में इतना ही। नमस्कार।